हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। गुरुजी स्टडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं, अपने मानसिंह से शुरुआत कर लेते हैं। आज से पहले अपन ने भगवान दास तक कंप्लीट कर लिया था। आमिर रियासत के अंदर अपन ने भगवान दास तक कंप्लीट कर लिया था और आज मानसिंह से शुरू करने जा रहे हैं। तो मानसिंह की आज पूरी जन्म कुंडली, मानसिंह का पूरा जीवन वृत्तांत, इसकी पूरी जीवनी खोज डालेंगे आज कंप्लीट, सब कुछ शुरू से एंड तक, ठीक है ना। आपके हर कंपटीशन में ये काम आने वाला है। किसी भी कंपटीशन चल जाएंगे आप, भले ही स्टेट पीसीएस तक जाइए आप आराम से, ये सब कुछ काम आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको पेशेंस से शुरू से एंड तक देखिए, ओके। और चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो मानसिंह जो है ये अपने भगवंत दास के पुत्र थे। अच्छा, भगवंत दास भारमल के पुत्र थे। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, ये जो वंशावली है ना, ये मैंने लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर आमिर के जो भी कछवा वंश के शासक थे उनको वंशावली क्रम से, है ना, तो क्रम से बताया था मैंने उसमें। तो सब कुछ एक बार आप उसको देखिए, लास्ट डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको देखना जरूर से, ठीक है। और मानसिंह की बात करते हैं तो ये देखो, भारमल के पुत्र थे भगवंत दास। भारमल के दो पुत्र थे, एक तो भगवंत दास थे और एक थे पेन, दूसरा ब्लैक ही लेता हूँ, है ना। भारमल के दो पुत्र थे, एक तो भगवंत दास थे और एक भगवान दास थे, ठीक है, इनमें कंफ्यूज होता ना। तो भगवंत दास के पुत्र कौन थे, मानसिंह थे भगवंत दास के, ठीक है, ऐसा है। अब नेक्स्ट चलते हैं। मानसिंह का जन्म हुआ था दोस्तों 6 दिसंबर 1550 में हुआ था, ठीक है। अब अपन अगर मानसिंह का जन्म देखें, 1550 में जन्म हुआ इसका, ठीक है। अकबर का जन्म हुआ था 1543 में, प्रताप जो महाराणा प्रताप था उसका 1540 में हुआ था, ठीक है। महाराणा प्रताप से 10 साल छोटे थे मानसिंह, अच्छा, अकबर से छोटे थे 7 साल। अब ये अपन ने क्यों देखा कि अकबर अकबर से तुलना क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि पूरी जिंदगी इनकी अकबर के इर्द गिर्द घूमेगी, ठीक है। तो अपने को ये तो आइडिया रहना चाहिए ना, ये दोनों बीच एज डिफरेंस क्या है ना, तो ये चीज भी जरूरी है। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था मानसिंह का, मोजमाबाद में हुआ था इनका जन्म, मोजमाबाद दोस्तों, मोजमाबाद में हुआ था इनका जन्म, कहाँ पे, मोजमाबाद में हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब इनके जन्म होते ही एक घटना घटित हुई थी, पता है क्या, एक ज्योतिष थे, उन्होंने क्या कहा भगवंत दास को कि आपका जो पुत्र है ना, अगर आपने पुत्र की 12 साल तक 12 साल से पहले शक्ल देख ली आपने, तो इसकी मौत हो जानी है। तो ये सुन के फिर बाद में इन्होंने जो है, इनके जो पिता थे भगवंत दास ने, इन्होंने इनकी शक्ल नहीं देखी 12 साल तक, और इनको मोजमाबाद में ही बाल्यकाल बीता इनका। और मोजमाबाद अपने जयपुर में ही पड़ता है, ठीक है। तो मोजमाबाद में इनका बाल्यकाल बीता, है ना, और मोजमाबाद में ही इन्होंने अपना जीवन बचपन बिताया, ठीक है। उसके बाद जब ये 12 साल के हुए, तो 12 साल के हुए तो 12 साल के कब होंगे, 1562 में होंगे, ठीक है। 1562 में जो इनके दादाजी थे भारमल, उन्होंने इनकी मुलाकात, मानसिंह की मुलाकात अकबर से करवाई, ठीक है। तो अकबर से 1562 में इनकी मुलाकात हुई, बैराट के निकट हुई थी इनकी मुलाकात, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब बैराट के निकट इनकी मुलाकात हुई अकबर से, तो अकबर ने इनको कहा, जो मानसिंह थे ना वो एक्चुअली क्या है कि सांवले रंग के थे और कदकाठी से बहुत अच्छे थे, हट्टे गट्टे मुट्टे नौजवान थे बिल्कुल, लेकिन क्या थे, सांवले रंग के थे, सुंदर नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि भैया नूर बांट रहा था जब भगवान, तो तुम कहाँ थे, अकबर ने मानसिंह को कहा। तो मानसिंह बोलता है कि हुजूरे आला, इसे तपाक से उत्तर दिया बिल्कुल शीघ्रता से कि हुजूरे आला, जब खुदा नूर बांट रहा था ना, तो मैं खुदा की इबादत में लगा हुआ था, लेकिन जब खुदा बहादुरी और दरियादिली बांट रहा था, उस टाइम मैं लाइन में सबसे आगे खड़ा था। इतना सुनते ही तो अकबर इतना खुश हुए, क्योंकि उसको आशा ही नहीं थी कि इतना छोटा सा बच्चा 12 साल की उम्र में और इतना हाजिर जवाबी होगा और इतना पराक्रमी होगा, ठीक है। तो क्योंकि वो रियल में बहुत पराक्रमी शासक थे मानसिंह, तो फिर बाद में 12 साल की उम्र में ही अकबर ने उन्हें कहा कि खुदा ने तुम्हें बनाया ही इसलिए ताकि तुम मेरे शत्रुओं पे कहर ढा सको, है ना। और फिर बाद में 12 साल की उम्र में अकबर के साथ चले गए थे मानसिंह और इनके पिता भगवंत दास, ठीक है, 12 साल की उम्र में अकबर के साथ चले गए थे। तो
अब 1562 में अकबर के साथ चले गए दोस्तों, ठीक है। अब इनके जाने के बाद अपन इनके सैन्य अभियान देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से सैन्य अभियान यानी कि कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी, कौन कौन सी युद्धों में गए, है ना। तो सबसे पहला 1500, देखो ये तो अपना प्यारा भारत है, ये अपना राजस्थान है, ये अपना गुजरात है, ठीक है। अब 1569 की बात है, 1569 में सबसे पहले इन्होंने 1569 में सबसे पहले रणथंबोर अभियान पे गए। रणथंबोर में क्या हुआ, रणथंबोर में एक्चुअली क्या था, राव सुरजन सिंह हाड़ा थे वहां पे, जो उस टाइम शासन था वो राव सुरजन सिंह का था। तो जो मानसिंह थे ना वो वहां पे गए, लेकिन उन्होंने इतनी कूटनीति का परिचय दिया अपना वहां पे, उन्होंने सबसे पहला उनका था एक तरह से, तो उन्होंने वहां पे कूटनीति का परिचय देते हुए बिना युद्ध के ही मतलब वहां पे उसको अपने अधीन कर लिया, जो वहां पर रणथंबोर का शासन था वो अकबर के अधीन करवा दिया। इतनी ज्यादा कुशल शासक थे एक तरह से ये मानसिंह, ठीक है। इनमें हर तरह के गुण थे। 1569 में उन्होंने रणथंबोर में ये किया, ठीक है, रणथंबोर में। अच्छा अब आते हैं 1572 में, तो 1572 में ये पहुंचे अपने गुजरात, 1572 में ये गुजरात पहुंचकर गुजरात में शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर दिया था एक्चुअली गुजरात से, ठीक है। तो वहां पे पहुंचकर इन्होंने वहां से भी मानसिंह ने इन्होंने मतलब अपनी मतलब विजय हासिल की वहां पे भी, गुजरात पे विजय हासिल की इन्होंने, ठीक है। तो दूसरा अभियान कौन सा रहा इनका, गुजरात अभियान रहा, वहां पे भी इन्होंने विजय हासिल की 1572 में। अब 1573 में ये पहुंचते हैं अपने, देखो ये तो गुजरात है अपना, ठीक है, पूरा ये अपना पूरा राजस्थान है आरजे, ठीक है ना, ये अपना पूरा राजस्थान है। तो अब ये गुजरात से पहुंचते हैं 1573 में अपना, ये मान लीजिए आप ये है डूंगरपुर, ठीक है, यहाँ पे है वैसे डूंगरपुर। तो ये पहुंचे यहाँ से डूंगरपुर में एक आस्करण नाम का था एक शासक, ठीक है, तो वहां पे उसको भी पराजित किया इन्होंने और डूंगरपुर को उसके आसपास के क्षेत्र पे भी अधिकार कर लिया। तो 1573 में उन्होंने डूंगरपुर पे अधिकार किया 1573 में, ठीक है। तो दोस्तों देखो 1579 में रणथंबोर पे अभियान किया इन्होंने, ठीक है, 1572 में गुजरात पे अभियान किया, 1573 में डूंगरपुर पे अभियान किया, ठीक है। तो अपन ऐसे चल रहे हैं अभी, यहां से ऐसे ऐसे चले, गुजरात आया, गुजरात के बाद डूंगरपुर आया। अच्छा अब गुजरात अभियान करते ही, गुजरात अभियान में विजय है ना, विजय हुई इनकी, इस विजय के उपलक्ष में जो अकबर थे ना, अकबर उन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में, ध्यान, तो बुलंद दरवाजा है वहां पे, तो वो इसी विजय के उपलक्ष में निर्माण करवाया गया था, वो अकबर ने करवाया था 1573 में। 1573 में डूंगरपुर विजय हुई, तो डूंगरपुर विजय के उपलक्ष में 3000 की मनसबदारी दी थी इनको, ठीक है। दोस्तों मनसबदारी क्या होती है, देखो पहले चलती थी जागीरदारी, बाबर हुमायूं के टाइम पे जागीरदारी के माध्यम से वो शासन चलाते थे, ये शासन चलाने की एक प्रथा है, ठीक है। और ये मनसबदारी, अब अकबर ने मनसबदारी प्रथा चालू करी है, ठीक है ना, क्योंकि पहले जागीरदारी प्रथा में क्या होता था कि वो लोग है ना अपने मतलब एक तरह से शासन के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और खुद के विलासिता पे पैसे खर्च कर देते थे, तो इन्होंने मनसबदारी प्रथा का प्रचलन चालू किया इसमें, ठीक है। तो इसका एक पूरा टॉपिक है मनसबदारी प्रथा का, तो वो कभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपन बनाएंगे कभी से वीडियो, अभी अपन देखते हैं। तो 3000 की मनसबदारी इनको डूंगरपुर विजय के उपलक्ष में इनको मिली, इनको अपने मानसिंह को, ठीक है। अब 1573 के बाद 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ इनके शासनकाल में। तो दोस्तों 1576 में हल्दीघाटी युद्ध कहाँ हुआ था, अच्छा हल्दीघाटी युद्ध हुआ था गोगुंदा का पड़ता है उदयपुर में, और खमनोर कहाँ पड़ता है राजसमंद में, तो खमनोर गोगुंदा के बीच में जगह पे वहां पे हुआ था इसका युद्ध, ठीक है ना। और यहाँ पे पीली मिट्टी पाई जाती है, मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे है, देखो ये है डूंगरपुर, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उदयपुर है ना, और उदयपुर से थोड़ा सा ऊपर साइड में राजसमंद है, ठीक है ना भाई, यहाँ जैसे उदयपुर हो गया, यहाँ राजसमंद हो गया, अब यहाँ बीच में यहाँ पे क्या है कि पीली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, तो पीली मिट्टी होने के कारण इसको हल्दीघाटी का युद्ध का नाम दिया था, इसको हल्दीघाटी का युद्ध, ठीक है, क्योंकि हल्दी पीली होती है ना, तो हल्दीघाटी का युद्ध नाम दिया था इसको, ठीक है। और रक्त तलाई भी नाम दिया हुआ है हल्दीघाटी के युद्ध को, ठीक है। तो 1576 में इन्होंने हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा, हल्दीघाटी युद्ध में नेतृत्व किया था ना इन्होंने। अच्छा हल्दीघाटी के युद्ध में दोस्तों एक पता है, एक मतलब इनके ऊपर एक तरह से इनको बदनाम किया गया था एक तरह से, ये मान लीजिए
कि एक अब्दुल कादिर बदायूनी नाम से एक सेनापति था, तो उसने क्या किया, इन्हीं की ओर से था, तो उसने क्या कहा अकबर को कि बादशाह सलाम, ये है ना जो मानसिंह है ना, पता है महाराणा प्रताप की सेना हार रही थी, बिल्कुल हार गई थी, और उसमें सेना में कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन इन्होंने उनको महाराणा प्रताप को वीर शिरो मतलब जो शिरोमणि है उसको जाने दिया, वैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करी, है ना, उसको अधीन करने की कोशिश नहीं करी अपने, उसको जाने दिया, ठीक है ना। तो ऐसा उन्होंने अकबर अकबर सलाम अकबर को कहा। फिर बाद में अकबर ने इनको ड्योढ़ी, इनकी ड्योढ़ी बंद करवा दी थी। ड्योढ़ी का मतलब, इनको पता है इनको अकबर है ना इससे मिलना बंद हो गए थे बिल्कुल, ठीक है ना, इनसे मिलते नहीं थे काफी लंबे टाइम तक, इनसे मिले भी नहीं थे वो, और इनकी ड्योढ़ी बंद करवा दी थी, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, अब 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अब आते हैं इसके बाद 1576 के बाद, यहाँ पे आते हैं अपन, देखो 1576 यहाँ हल्दी घाटी के युद्ध का कर लो खत्म। अब इसके बाद है काबुल, काबुल अभियान पे गए, तो काबुल अपने पड़ता है पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान में पड़ता है ना काबुल, काबुल अभियान में गए 1582 में। अच्छा काबुल अभियान में क्या हुआ दोस्तों, काबुल में क्या हुआ कि काबुल में उस टाइम शासन था मिर्जा हाकिम का, मिर्जा हाकिम ये कौन था दोस्तों, ये था अकबर का सोतेला भाई था, अकबर का सोतेला भाई था मिर्जा हाकिम, है ना दोस्तों। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि मिर्जा हाकिम को किसी ने भड़का दिया कि आपका जो भाई है ना वहां पे विधर्मी बना हुआ है, मतलब धर्म धर्म के विरुद्ध काम कर रहा है वो, जैसे कि उसने है ना उन्होंने भड़का दिया, उन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने ना जो तीर्थ यात्रा कर लगा कर बंद करवा दिया, उसने जजिया कर बंद कर दिया, ठीक है, और भी है ना जो क्या नाम से राजपूतों को शरण दे रहा है, राजपूतों को एकजुट करने में लगा हुआ है, भाई राजपूतों शादी सुलह कुल की नीति अपनाई थी ना अकबर ने कि मतलब इस टाइप से है ना जो ये कर रहा है, ठीक है। तो मिर्जा हाकिम को आया गुस्सा, मिर्जा हाकिम ने हिंदुस्तान पे आक्रमण करने की सोची। अब आक्रमण करने की सोची तो जैसे ही अकबर को पता चला तो अकबर पहुंचा, अकबर ने क्या किया, अकबर ने मानसिंह को यह आदेश दिया, मानसिंह को कहा कि आप जाओ काबुल अभियान पे और विजयी करके लौटो, ठीक है। तो अब मानसिंह गया यहां से, ठीक है, तो मानसिंह टोडरमल के साथ गया था यहाँ पे इस अभियान पे, है ना। तो मानसिंह गया और मानसिंह ने काबुल जो मिर्जा हाकिम है उसका एक दुर्दांत सेनापति था, एक है ना दुर्दांत सेनापति था शादमान बेग, शादमान बेग दुर्दांत सेनापति था शादमान बेग। तो शादमान बेग को उसने सिर धड़ से अलग कर दिया, ठीक है, और जो मिर्जा हाकिम है ना उसकी भी उसका जो मेन किला है ना काबुल का, उससे काबुल का किला भी छीन लिया, मतलब उन्होंने बिल्कुल पराक्रम से, बिल्कुल कूटनीति से, बिल्कुल चालबाजी तरीके से काबुल पे अपना अधिकार कर लिया, और इससे अकबर बहुत खुश हुए, ठीक है। और उसके बाद क्या किया इन्होंने, काबुल से ही एक मेन चीज और लाए थे, काबुल से ब्लू पोट्री कला काबुल से लाए थे, ठीक है। तो ब्लू पोट्री कला क्या होती है, ब्लू पोट्री होती है दोस्तों चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनके ऊपर नीले रंग के जो चित्रकारी की जाती है ना उसको बोलते हैं ब्लू पोट्री, है ना। तो ब्लू पोट्री कला भी उस टाइम पे यहीं से आई थी, काबुल से लाए थे, ठीक है। अच्छा ब्लू पोट्री से मुझे एक चीज और याद आ गई, ब्लैक पोट्री और कागजी पोट्री, ठीक है। तो ब्लैक पोट्री क्या होती है, जो कोटा में यूज होती है, ब्लैक पोट्री जो फेमस है कोटा में, ठीक है, और जो कागजी पोट्री होती है ना वो अलवर की फेमस है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। अब अपन चलते हैं इसके बाद जो सैन्य अभियान था, देखो काबुल हो गया, ठीक है, अपन कैसे चल रहे थे 1576 में, देखो सीक्वेंस से चलो आप, याद रखना है ना आपको, सीक्वेंस से चलो आप, 1576 में रणथंबोर अभियान चला, फिर 1572 में नीचे गुजरात आ गए 72 में, ठीक, गुजरात अभियान, फिर 1573 में दोस्तों डूंगरपुर अभियान, 1576 में हल्दीघाटी, इससे जस्ट ऊपर चले हल्दीघाटी, फिर इससे जस्ट ऊपर चलते जाओ काबुल, है ना, काबुल अभियान। तो आपको देखो मैप है ना, मैप हर जगह काम आता है, हिस्ट्री में काम आएगा आपको, ज्योग्राफी में भी काम आएगा, मैप याद रखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है। काबुल के बाद चले ये आ गए अपने बिहार अभियान पे, बिहार बंगाल अभियान पे 1587 में, 1587 में इन्होंने बिहार की सूबेदारी मिल गई इनको, तो बिहार में इन्होंने एक कुतलू खान नाम से एक व्यक्ति था उसको पराजित किया, ठीक है। उसके बाद ये बिहार में लगभग क्या हुआ, ये युद्ध ही कर रहे थे किसी से, तो इनको पता चला कि इनके पिता की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो
पिता की मृत्यु हो गई, तो फिर बाद में ये 1589 में इन्होंने पहला जो राज्याभिषेक है ना वो पटना में ही हो गया इनका। बिहार की राजधानी, बिहार की जो राजधानी अभी पटना, पहले इन्होंने पटना को ही सेंटर बनाया था इन्होंने, ठीक है। तो पटना में इन्होंने पहला राज्याभिषेक हुआ इनका। फिर दूसरा राज्याभिषेक इनका 1590 में जाके हुआ, तब आमेर के महल में ही ना दूसरा राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है ना। तो ये पहला राज्याभिषेक पटना में हुआ था इनका, ठीक है। अच्छा, अब बिहार, बिहार में इन्होंने महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाया है बिहार में, ठीक है। अब अपन चलते हैं, ये देखो बिहार की ये हो गई। अब इसके बाद आता है 1604, ये 1587 की हो गई। अब चलते हैं अपन 1604 में बंगाल, चलो अपने, ये बंगाल है अपना। बंगाल में जस्सोर नामक स्थान पे, जस्सोर नामक स्थान पे केदार नाम का व्यक्ति था, एक केदार नाम के व्यक्ति का वहां पे शासक था, शासन था, ठीक है। तो केदार नाम के एक बार तो ये गए वहां पे शासन उसको मतलब पराजित करने, ठीक है। लेकिन उन्होंने उससे भाई बंगाल छीन नहीं पाए, ठीक है, एक बार तो ये पराजित हुए थे। फिर बाद में ये क्या हुआ, इसके पीछे भी एक किस्सा है दोस्तों। फिर बाद में क्या हुआ, ये सो रहे थे एक बार, ठीक है। तो सो रहे थे, सपने में इनके महिषासुर मर्दिनी जो देवी है ना वो आई और वो बोलती है इनको कि मेरी जो मतलब पहाड़ पे जो नदी की पहाड़ होती है ना उसके पास में अगर खोदोगे ना तो मेरी एक मूर्ति मिलेगी, उसको प्रतिष्ठा मतलब प्रतिस्थापित करवाइए, एक जगह स्थापित करवाइए उसको और उसकी पूजा करिए। तो उसकी पूजा करेंगे ना तो फिर बाद में विजय होंगे, ऐसा मतलब उनको हुआ। तो फिर बाद में उन्होंने मूर्ति निकाली, उन्होंने तो मूर्ति निकाल के और आमेर में शिला देवी नाम से जो माता का मंदिर है ना, तो शिला देवी की मूर्ति है वो, वही मूर्ति है वो वहां से निकाली हुई, ठीक है, वो प्रतिस्थापित करवाई। और उसके बाद है ना जो इन्होंने, ये मान लीजिए आप कि मान सिंह जो है ना उन्होंने 100 से अधिक युद्ध लड़े हैं और अधिकतर हर युद्ध में विजय हासिल किए इन्होंने, ठीक है। तो ये उन्होंने वहां से मूर्ति वहां पर स्थापित करवाई, ठीक है। अब ये उन्होंने मूर्ति वहां पर स्थापित करवा दी, ठीक है। अब क्या हुआ, 1604 में ही अपने अकबर की मृत्यु हो गई। तो अकबर ने मृत्यु से पहले इनको 7000 की मनसबदारी प्रदान की थी, ठीक है ना दोस्तों, 7000 की मनसबदारी प्रदान की थी। 7000 की मनसबदारी सिर्फ दो ही व्यक्तियों को प्रदान हुई है, ठीक है, अभी तक। एक तो है अपने मिर्जा अजीज कोका और एक मान सिंह, इन दोनों व्यक्तियों को ही 7000 की मनसबदारी मिली है अभी तक, ठीक है। तो 1604 में इनकी मृत्यु हुई। इसके बाद इनके बेटे बने अपने मुगल शासकों में, अकबर के बेटे बने जहांगीर, ठीक है, वो उन्होंने गद्दी संभाली दिल्ली की जो है। अच्छा, तो फिर बाद में जहांगीर ने इनको दक्षिण की सूबेदारी प्रदान कर दी इन्होंने। तो दक्षिण में जो है ये एलीचपुर नाम की जगह है, वहां पे इनकी मृत्यु हुई थी, अपने जो मानसिंह है इनकी मृत्यु वहां पे दक्षिण में एलीचपुर नाम की जगह वहां पे हुई थी इनकी, ठीक है। तो ये इनकी पूरी कहानी है। अच्छा, एक चीज और, चित्तौड़ में आपने देखा है, चित्तौड़ में मीराबाई जी की पूजा करती थी कृष्ण भगवान की, तो वहां पे जो मूर्ति है ना वो मूर्ति को वहां से उठा के लाके इन्होंने जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में उसमें प्रतिस्थापित करवाई थी, ठीक है। जो मानसिंह की पत्नी थी ना कंकावती, उनकी याद में जगत शिरोमणि मंदिर में जो स्थापना करवाई थी मूर्ति, तो वो वहां से चित्तौड़ से लाई हुई थी, ठीक है दोस्तों। ये सब है अपना पूरा मानसिंह का कार्यक्रम, ठीक है। मानसिंह के देखो दरबारी विद्वान थे ना, वो चीज भी ध्यान रखिए आप। मानसिंह के दरबारी विद्वान थे कौन कौन से, एक तो मुरारी दान, एक हाया बारहट और एक पुंडरीक विट्ठल। ठीक है, ये इनके दरबारी विद्वान थे दोस्तों। तो इन्होंने रागमाला रागमंजरी नामक पुस्तकों की रचना करी थी इन्होंने, ठीक है। तो ये है अपने मानसिंह की पूरी जो है जीवनी, जीवनी मान सकते हैं उसको, ठीक है। इसको आप शुरू से एंड तक अच्छे से देखिए इसको, ठीक है, दो बार देखिए, आपको मानसिंह इससे संबंधित कहीं भी किसी प्रश्न में आप नहीं अटकेंगे। और मैंने पिछले जो भी है आमेर की जो वंशावली है कंप्लीट शासकों की, वो मैंने पिछले वीडियो में एक पिछले जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको शुरू से एंड तक समझाई हुई बाकायदा ट्रिक से, आप बिल्कुल तुरंत याद हो जाइए आपको। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा पिछले वीडियोस का, पिछले वीडियो का, तो आप उसको देखिए।
और आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ठीक है? ओके, टेक केयर, गुड बाय।